ये सपा की सरकार नहीं है कि यहाँ बाहुबल चलेगा, ये बाबा के बुलडोजर की सरकार है। हम लोग माफिया को मिट्टी में मिला दिए हैं, माफिया कोई बचा ही नहीं है, जो माफिया था हम लोग मिट्टी में मिला दिए हैं। अगर कोई मेरी बाप बहन को चाहे किसी को भी छेड़ने का काम करेगा तो अगले चौराहे पर उसकी मिट्टी में हम लोग मिलाने का काम करेंगे। और पीएम को विश्वास में दिलाता हूँ कि प्रधानमंत्री बनाएंगे और 401 सीट से ऊपर जाएंगे। और ये बलिया का लड़का वादा करता है कि मोदी जी के लिए हर कुछ करने के लिए हम लोग तैयार है। पूरे इतिहास में, पूरे मेरे लाइफ में मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मैंने देखा ही नहीं। वो तो भगवान है, भगवान 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 है, भगवान भारत का भगवान है, भारत का भविष्य है, विकास 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 करने वाला नेता है। राहुल गांधी जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उनके पुरखों की जमीन थी, क्यों वायनाड भाग गए, क्यों उनका परिवार उत्तर प्रदेश से चुनाव नहीं लड़ रहा है, कहाँ भाग गए, क्यों भाग गए, इस सवाल का जवाब वो दें। अगर उनके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस है, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, वो हराना चाहते हैं एनडीए को, तो उत्तर प्रदेश की जमीन छोड़कर क्यों भाग गए, जहां से उनके तीन तीन पीढ़ी के लोग चुनाव लड़ते थे, क्यों वायनाड से लड़ रहे हैं, इस सवाल का वो जवाब दे दे केवल। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया, मेरा नाम है विनोद शर्मा। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पहली रैली के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने इस चुनाव का आगाज कर दिया है। यानी कि पहली जो रोड शो थी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से, प्रधानमंत्री मोदी उस रोड शो में रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी उस रोड शो में रहे, और गाजियाबाद से प्रत्याशी अतुल गर्ग उस रोड शो में रहे। लेकिन मैं लगातार पूर्वांचल की यात्रा पर हूं, तो पूर्वांचल अब की बार क्या सोच रहा है, पूर्वांचल अब की बार क्या करने जा रहा है, क्योंकि पूर्वांचल में कहते हैं कि जो बाहुबली थी, माफिया गर्दी थी, डॉन गर्दी थी, वो 2017 के बाद, 2022 के बाद कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने शांत करा दी। लेकिन पूर्वांचल की जनता क्या सोच रही है, पीछे भंडारा चल रहा है, बाबा का भंडारा है, तो हमने सोचा कि भैया यहीं से शुरुआत की जाए। और आखिरकार ये बलिया लोकसभा है, और बलिया में अब की बार क्या होगा, पहले तो मैं आपसे सीधा बात करूंगा, क्या लग रहा है आज जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक बड़ी शुरुआत रैली, पहली रैली की प्रधानमंत्री मोदी ने, पूर्वांचल को क्या संदेश मिला? आप केवल पूर्वांचल ही नहीं जी, उत्तर प्रदेश का कोना कोना और पूरे हिंदुस्तान का कोना कोना मोदीमय हो गया है। पूरे दावेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं आपसे कि आज पूरा का पूरा हिंदुस्तान मोदी की तरफ नजर उठा के देख रहा है, और अगला तीसरा टर्म जो शुरू होगा हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, यही संदेश पूरे हिंदुस्तान को गुजरा है। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि जिस तरीके से गठबंधन जुड़ा है, गठबंधन भी तो मजबूती से है, साइकिल बहुत तेज दौड़ रही है, साइकिल को हाथ में ले लिया है राहुल गांधी ने। देखिए आपसे बता दें कि साइकिल वाले लोगों से पूछिए, अभी कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के लोग, अच्छा समाजवादी पार्टी के लोग ये जानना चाहते हैं कि मोदी जी का जो व्यवस्था है उसके अनुरूप कैसे चला जाए। लेकिन एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी के सामने न कहीं साइकिल ठहरने वाला है, न हाथी रुकने वाली है, और न ही पंजा, ये कहीं लोग ठहरने वाले नहीं हैं। आज आप पूरे हिंदुस्तान का मिजाज बन गया है कि देश का प्रधानमंत्री अगला पुनः प्रचंड बहुमत के साथ और 400 पार, 4 जून को 400 पार, वैसे 450 सीट जितने जा रहे हैं हम लोग, लेकिन 4 जून को 450 पार, यह हमारा आपसे क्या जादू है कि 4 जून को 405 मोदी जी कह रहे हैं, 450 आप कह रहे हैं, कोई जादू है, कोई टोना है, टोटका है, आखिर है क्या ऐसा कि 400 के पार? बिल्कुल 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 सर, मोदी जी 2014 से और 2024 में 10 साल में हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किया है। आज से 10 साल पहले हमारे भारत का दुनिया के पैमाने पर कोई पूछता नहीं था, हम पिछलगु राष्ट्र की तरफ खड़े थे। लेकिन आज, आज की मौजूदा परिस में बड़े दिलेरी के साथ कहना चाहते हैं कि आज हमारी पहचान पूरे दुनिया में मोदी जी के नाम से और हिंदुस्तान का पहचान बना है। इसलिए 10 साल के अंदर काम क्या नहीं हुआ है, आप छोटी सी बात ले लीजिए, आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, उत्तर प्रदेश एक ऐसा जिला हुआ करता था, ऐसा प्रदेश हुआ करता था, बलिया जनपद एक ऐसा, बलिया जनपद में आप खड़े हैं, यूपी और बिहार का बॉर्डर है ये जिला, महर्षि भृगु की धरती पर आप खड़े हैं, चित्तू पांडे, मंगल पांडे, बाबू कुंवर सिंह, चंद्रशेखर आजाद
और तमाम, ये मनीषियों की धरती है जहां हजारी प्रसाद द्विवेदी, परशुराम चतुर्वेदी और ये तमाम जो महापुरुष हैं हमारे यहां जन्म लिए हैं, उनकी धरती पर आप खड़े हैं। आप छोटी से नहीं, बलिया वह जगह है जहां मिदनीपुर, सतारा और बलिया आज़ादी में सबसे पहले आज़ाद होने वाला जिला बलिया है, और बलिया से ये संदेश जाता है और बलिया ये संदेश देगी। और आप उज्ज्वला योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी ने 2014 में यहीं से किया था, बलिया से ही किया था, और आज पूरे हिंदुस्तान के गरीब आवाम को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत व्यवस्थाएं दी जा रही है। लेकिन पूर्वांचल को साधने के लिए अखिलेश भैया मुख्तार अंसारी के घर पहुंच गए हैं। अखिलेश यादव ने संदेश दे दिया है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में भाईचारा चलेगा, हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी। अब कोई भी हिंदू चारा बनने के लिए तैयार नहीं है। कौन सा भाईचारा की बात करते हैं आप, किस भाईचारा की बात करते हैं? भाईचारे की जिम्मेदारी हमारी है, भाईचारे की जिम्मेदारी जितनी आपकी उतनी हमारी भी है। भाईचारा किस बात का, आप ये बताइए, कौन सा मुस्लिम समाज के लोग हमारे मंदिर में जाके पूजा करते हैं और कौन हिंदू मस्जिद में जाके पूजा करता है? यह जरूर है हम लोग हिंदू हैं और सनातनी हैं, सनातन को मानने वाले लोग हैं। हम यह जानते हैं कि आपके धर्म का पूरा सम्मान है जी, आपके धर्म का, मुस्लिम समाज के और मुस्लिम धर्म का भी हम सम्मान करते हैं और अपने हिंदुत्व सनातन धर्म की परंपरा को निर्वाह करते हुए आपके भी धर्म का हम विश्वास करते हैं, ये हम लोग मानने वाले लोग। आपने ही मानते कि अखिलेश यादव अगर मुख्तार अंसारी के उनके परिवार से मिलने जाएंगे तो उनका एक वोट बैंक मजबूत होगा, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जिस साइकिल को दौड़ा रहे हैं वो तेज दौड़ेगी और उत्तर प्रदेश से होकर दिल्ली गुजरेगी। आपसे बता दें कि यही अखिलेश यादव हैं जो राम मंदिर में जाने को उनको फुर्सत नहीं मिलता है, लेकिन अफजाल अंसारी से मिलने के लिए उनको फुर्सत मिल जाता है, उनको फुर्सत मिल जाता है, गाजीपुर आने के लिए फुर्सत मिल जाता है, लेकिन अयोध्या जाने के लिए फुर्सत नहीं मिलता है। उनके पिताजी क्या करते थे, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, हिंदू भी जाकर खड़ा हो गया है, सनातनी भी जान गया है कि मुझे क्या करना है। यही अखिलेश यादव की जो सोच है और जो कांग्रेस सपा कि जो सोच है, ये गंदी मानसिकता के सोच के लोग, जो मक्कारी की मिट्टी से बने हुए गद्दारी की राजनीति करने वाले लोग हैं, इनको हिंदुस्तान की जनता और बलिया उसका शुरुआत करने जा रहा है। बलिया इस बार 400-450 जीत में अहम भूमिका निभाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। बलिया की जनता क्या सोच रही है भाई साहब, क्या कहेंगे बलिया, बलिया से जनता तो बोली थी और हमसे क्या कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो सत्य है, सत्य है, एकदम सत्य है। बलिया की जनता तैयार है, एकदम तैयार है। किसको, अखिलेश यादव को बिठाने के लिए? अरे नहीं, मोदी जी को बिठाने के लिए। मोदी जी क्या कहेंगे, बलिया के लोग क्या सोच रहे हैं? बलिया वो धरती जहां से कहीं ना कहीं एक आगाज होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आगाज हो गया, लेकिन पूर्वांचल को क्या संदेश मिला? आज हमारे भारत के धरोहर प्रधानमंत्री जी को गौतम बुद्ध के रूप में देख रही है, पूरा विश्व देख रहा है। अगर विपक्ष के पास नरेंद्र मोदी जैसा जो है गौतम बुद्ध होगा तब जाकर के 400 के करीब पहुंचेगा, और बीजेपी के पास आज गौतम बुद्ध के पुरोहित जो है नरेंद्र दास मोदी जी हैं, ऐसे नहीं 400 पार की बात हो रही है। उसका कारण है 2007 के पहले पूर्वांचल में का आधा प्रदेश में जो है 30% पोलिंग होता था, 30% लोग ही जो है 100% की पूर्ति करते थे, लेकिन आज दबादब ठप्पे पड़ते थे, पिस्टल दिखती थी, बंदूकें दिखती थी, कहाँ है बाहुबली? आज के डेट में ये 65% लोग जो है कि गारंटी है मोदी जी का कि आप वोट किसी को देंगे लेकिन मतदान स्थल पर पहुंचेंगे और निश्चित रूप से गौतम बुद्ध के विचारों को सुनेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पर मोहर लगाएंगे, किसी व्यक्ति पर नहीं, हर आदमी के निशान जो है कमल निशान है, कोई व्यक्ति नहीं है। मोदी जी आज गौतम बुद्ध के रूप में भारत के धरोहर है, इसलिए भारत की जनता 400 पार पर विश्वास कर रही है। 400 पार पर कितना विश्वास, क्या लग रहा है मोदी की गारंटी पर कितना विश्वास? 100% विश्वास है। आज मैंने टीवी पर सोनिया गांधी ने कही कि हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है, मैं पूछना चाहता हूं कि कहां उनकी बलिदानी गई, कौन से उनके पूर्वज बलिदान दिए हैं, मैं पूछना चाहता हूं।
और 400 उनका बेटा तो चला रहा है ना भारत जोड़ो न्याय यात्रा। तो क्या चलाएगा राहुल भैया? कुछ नहीं चलाएगा राहुल गांधी, कुछ नहीं चलाएगा, उसको कुछ नहीं पता है। हाँ, वो क्या चला पाएगा जी? प्रधानमंत्री बनाओ, देश चलाएंगे। अरे कुछ नहीं, वो बेच देगा, इटली चला जाएगा। बिल्कुल चला जाएगा, इटली चले जाएंगे। और क्या, इटली तो नानी का घर है, जाना नहीं है क्या? अरे फिर लौट करके नहीं आएंगे। और क्या, अभी तो और क्या, गांधी तो एक ही महात्मा गांधी थे ना? क्या कहेंगे भाई साहब राहुल? गांधी तो एक ही थे, महात्मा गांधी थे, उसके बाद ये नकली गांधी कहाँ से आ गए? नकली गांधी है ये, नकली गांधी है। गांधी तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, और ये नकली गांधी लोग है ना, ये नकली गांधी है लोग। असली गांधी तो महात्मा गांधी थे, ये तो डम्मी गांधी हैं। ये डम्मियों में से काम चलने वाला नहीं है, एक गांधी से काम नहीं चलेगा, मैं बिल्कुल नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे बिल्कुल। कहा प्रधानमंत्री, वो जो इस बार चुनाव सांसदी का जीत जाए वही काफी है, प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने आप। अच्छा भाई साहब कह रहे हैं राहुल भैया को नहीं बनाएंगे प्रधानमंत्री। हर हर मोदी, घर घर मोदी, 2024 400 पार एकदम। कौन राहुल भैया? अरे राहुल भैया अपना इटली जाए भैया, हमारे मोदी जी। हाँ मोदी जी 400 पार 400 पार। चलिए भाई साहब आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं अब की बार 400 पार के नारे के साथ प्रधानमंत्री मोदी हैं जो मैदान में हैं, क्या लग रहा है पूर्वांचल, क्या कहना चाह रहा है? देखिए भाई साहब, मैं सबसे अच्छी और बड़ी बात बोल रहा हूँ कि माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूजनीय आदित्यनाथ योगी जी का कमिटमेंट है कि मैं 80 सीट ला के रहूँगा। और बलिया में सबसे पहले, पिछले बार हम लोग 2,69,453 वोट पाए थे, इस बार 3 लाख से ऊपर हम लोग पाएंगे। और पीएम को विश्वास में दिलाता हूँ कि प्रधानमंत्री बनाएंगे और 401 सीट से ऊपर जाएंगे। और ये बलिया के लड़के वादा करता है कि मोदी जी के लिए हर कुछ करने के लिए हम लोग तैयार है। पूरे इतिहास में, पूरे मेरे लाइफ में मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री मैंने देखा ही नहीं। वो तो भगवान है, भगवान 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 है, भगवान भारत का भगवान है, भारत का भविष्य है, विकास 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 करने वाला नेता है। भाइयों बहनों, और आपसे भी निवेदन है कि आप लोग अपने घर से माता महिलाएं सारे लोग झाड़ के वोट देने का काम करेंगे। और बलिया की जनता, मैं पूरा आभारी हूँ कि आप लोग मतदान चढ़ भर के वोट देते हैं और मोदी जी को जो है प्रधानमंत्री बलिया जो है, जहाँ उज्ज्वला योजना का उद्घाटन हुआ था, तमाम योजना बलिया में 1,02,00,00 रुपए का बलिया में योजना चल रही है। भाइयों 400 पार 100%। भाई साहब क्या नजर आ रहा है, पूर्वांचल की जनता सोच क्या रही है, आखिर कौन सा काम प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का लगा? योगी का शासन, सुशासन, मोदी की सारी योजनाएं पूरे निचले स्तर तक जा रही हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, आप बार बार कह रहे हैं कि ये लोग साइकिल का हाथ राहुल गांधी ने था, ये लोग पहले भी हाथ थामे हैं, पहले भी यूपी में चुनाव लड़े हैं। और राहुल गांधी जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उनके पुरखों की जमीन थी, क्यों वायनाड भाग गए, क्यों उनका परिवार उत्तर प्रदेश से चुनाव नहीं लड़ रहा है, कहाँ भाग गए, क्यों भाग गए, इस सवाल का जवाब वो दें। अगर उनके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस है, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, वो हराना चाहते हैं एनडीए को, तो उत्तर प्रदेश की जमीन छोड़कर क्यों भाग गए, जहाँ से उनके 3-3 पीढ़ी के लोग चुनाव लड़ते थे, क्यों वायनाड से लड़ रहे हैं, इस सवाल का वो जवाब दे दे। केवल जब आप चाहते हैं अमेठी आए, अमेठी से टक्कर दे। बिल्कुल, अगर उनके अंदर हिम्मत हो तो एनडीए का मुकाबला अपनी जमीन पे करें, ना कि वायनाड, केरल, कहाँ कहाँ भाग भाग के लोग। ये क्या क्या संदेश दे रहे हैं, यही संदेश दे रहे हैं कि भागो भागो भागो। वो कह रहे मोदी जी भागेंगे अब की बार नहीं, वो खुद भाग गए, यहाँ जानते है कि चुनाव नहीं जीतेंगे वो, तो वह अपना समीकरण ठीक करने के लिए वो जानते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में फेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए ना उनका परिवार से कोई लड़ रहा है और ना वो स्वयं लड़ रहे हैं, और वायनाड से जाकर लड़ रहे हैं। आकर पहले उत्तर प्रदेश लड़े, तब जाकर मारा बाबा का सामना करे। भाग रहे हैं बाबा के बुलडोजर के आगे, कोई नहीं टिक रहा है, सभी लोग भाग रहे हैं बुलडोजर। हाँ, बाबा का बुलडोजर यहाँ पे सबके ऊपर चला है, जितने भी माफिया थे, जितने भी गुंडे थे। और इस बार मोदी
श्री राम मंदिर के नाम पे, राम मंदिर, हम राम मंदिर के नाम पे फिर हम लोग भाजपा को वोट देंगे और इस बार 400 पार हम लोग मोदी सरकार को फिर से वोट दे के जीत दिलाएंगे। 400 पार की क्या कहेंगे, तुम्हारा क्या नाम है? सामर्थ मेरा नाम है। और मैं बस यही कह रहा हूँ कि मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री आज तक कभी देश ने नहीं देखा है, इसीलिए भाजपा जो है मतलब भाजपा को इतना लोग अपना समर्थन देते हैं और वोट देते हैं, इसलिए अब की बार 400 नहीं 450 पार होगा। राहुल गांधी में सब नजर नहीं आ रहा? बिल्कुल नहीं आ रहा, क्योंकि भारत की गरीब जनता को राहुल गांधी बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं, धरातल को नहीं जानते हैं, इसीलिए भारत की जनता उनको अपना प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे। वो तो पैदल पैदल घूम के पूरा देश घूम लिए, वो ऐसे घूमते रहते हैं, वो अपना इज्जत बचाने भागे हैं, इज्जत बचाने के लिए वायनाड और नॉर्थ ईस्ट में भाग रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में भाग रहे, देखिए पूर्वांचल की जनता होशियार है। वायनाड भाई साहब क्या कहेंगे, बड़ी जबरदस्त इस बार जनता अपनी राय सुना रही है, लेकिन पूर्वांचल सोच क्या रहा है? तो बाहुबली माफिया डॉन के नाम से जाना जाता था, क्या नजर आ रहा है? ये सपा की सरकार ने है कि यहाँ बाहुबल चलेगा, ये बाबा के बुलडोजर की सरकार है, हम लोग माफिया को मिट्टी में मिला दिए हैं, माफिया कोई बचा ही नहीं है, जो माफिया था हम लोग मिट्टी में मिला दिए हैं। अगर कोई मेरी बाप बहन को चाहे किसी को भी छेड़ने का काम करेगा तो अगले चौराहे पर उसकी मिट्टी में हम लोग मिलाने का काम करेंगे। ये बाबा की सरकार बिल्कुल, देखिए अभी गाजीपुर से लेकर और इलाहाबाद तक देख सकते हैं आप, आपको उदाहरण में बता रहा हूँ, मिट्टी में खुद मिल गए वो लोग, अपनी जान की भीख मांगते थे, जैसे उन लोग 60-60 हत्या किए थे, 80-80 मुकदमा थे, तो बाबा जब से आए तब से गुंडागर्दी और माफियागर्दी उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में खास करके बंद है। मैं आपको पक्का बता रहा हूँ कि बाबा के नेतृत्व में मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे और 410 सीट आएगी और उसमें बलिया भी रहेगा, बलिया का योगदान रहेगा, बिल्कुल रहेगा। एक बलिया में तो भाजपा के सांसद थे, सांसद जी कुछ काम कर पाए? सांसद जी ने जो किया है इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया है, वैसा काम कोई नहीं किया है आज तक, ये मैं आपके गारंटी के साथ कह रहा हूँ। यानी वीरेंद्र मस्त ने जो काम किया वो इतिहास के पन्नों में लिख गया, बिल्कुल किसी से आम जनता से बात कर सकते हैं, काम करने का उन्होंने बहुत काम किया है, किसी से आप पूछ सकते हैं, किसी से पूछे। चाचा ये बताइए आपके सांसद ने क्या किया आपके लिए? अरे भाई यही काम किया कि जो बनवा रहा है, जो सपना था मालदेवपुर से कदम चढ़ा तक जो बनवा दिए, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, इससे पहले कोई नहीं किया था। मस्त जी ने जो किया वो शायद कोई किया हो, और मोदी जी का तो जवाब नहीं है, उनको तो 20 साल रहना चाहिए, 20 साल रहना चाहिए, लेकिन लोगों में कमी है। मोदी जी 20 साल रहेंगे, अगर चुनाव लड़ने का उनको समय मिला और उम्र रही तो 20 साल तक रहेंगे तो कम है। मोदी के बाद कौन? मोदी के बाद तो योगी है, मोदी के बाद बाबा योगी, मोदी जी ने उनको स्पेशल चार्टर विमान से बुलवा करके बनवाया था मुख्यमंत्री, इसलिए मेरे बात वही है। मोदी जी का जवाब अगर कोई देगा तो योगी। युवा शक्ति क्या समझ रही है? योगी। चूंकि मैं बलिया के उस धरती से हूँ जहाँ से इंदिरा गांधी डरा करती थी, मोरारजी देसाई डरा करते थे, मैं उस चंद्रशेखर के धरती से हूँ, और अगली बार इस बार 400 पार मोदी सरकार, इसके बाद अगर मौका मिली तो योगी जी 450 पार। गठबंधन बहुत तेज चल रहा है, फेविकोल का जोड़ जी, मैं बोल रहा हूँ आदरणीय मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, उनकी सरकार ने जो सकुशल काम किया है, जो जनता को अपना आशीर्वाद दिया है, जनता में जो अपने लाभ बांटे हैं, वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया, और ये गोदी मीडिया नहीं कर सकती है। इटली वापस जाना पड़ेगा, जो इटली वापस जाना पड़ेगा, सफाई वापस जाना पड़ेगा, अगर यहाँ रहना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में रहना पड़ेगा, बलिया की सीट जीतने पड़ेगी तो आदरणीय योगी मोदी जी की सरकार रखनी पड़ेगी। मैं आपको स्पष्ट भाषा में समझा दे रहा हूँ कि ये बागी दाढ़ी वाले चंद्रशेखर की धरती है, ये बगावत नहीं कर सकती, बगावत करेगी तो आदरणीय मोदी आदरणीय योगी जी के लिए उसके बाद इस धरती पे कोई नहीं आएगा। 400 पार का नारा, और बलिया से कह रहे हैं कि अब की बार जिता के भेजेंगे। अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। 400 पार। अब की बार 400 पार। 400 पार। तो चलिए जनता जनार्दन और जनता की अपनी राय है, जनता क्या सोच रही है, खासकर इस पूर्वांचल की जनता अब की बार क्या
सोचती है, आप क्या कहना चाहेंगे? बस एक ही बात कहना चाहूंगा ये बलिया के लिए कि कभी सोला कभी सबनम कभी बहार है बलिया, जलती हुई बगावत की शान है बलिया, सन जल कर देता है दूसरों की रोशनी क्योंकि क्रांतिकारियों में एक नया पहचान है बलिया। ये बलिया की धरती है, यहाँ पर योगी और मोदी दोनों लोग को आना चाहिए, ठीक है? ये बगावत की धरती है, यहाँ पर और दूसरा कोई राज नहीं चलेगा। जितना राज हुआ है यहाँ पे दूसरे किसी सरकार में, उतना राज जब मोदी सरकार आए हैं तो कोई माफिया का राज नहीं चला है इस बलिया में। इसी बात पर ना, बस इस बागी बलिया उत्तर प्रदेश है, ये बागी बलिया का धरती है सर। इस बस बागी बलिया का जितने भी भेजेंगे यहाँ, हाँ जिता कर भेजेंगे, पक्की बात, पक्की बात है, डंके की चोट पर, डंके की चोट पर, ठीक है। पूछ लीजिए। आदरणीय पत्रकार महोदय, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि 2024 के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज है, एक ही आगाज है कि योगी मोदी जय श्री राम। इसके अलावा कोई और टॉपिक नहीं है। जो शिक्षित वर्ग है उसको इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, ना कोई चारा है। अगर शिक्षित और प्रतिष्ठित जीवन जीना है तो योगी मोदी जय श्री राम, एक आवाज, एक आवाज, बस बस। 400 पार, 400 पार, 450 पार, 450 पार, पूर्वांचल जिता के भेजेंगे यहाँ से। चलिए जनता की अपनी राय, और जनता जनार्दन 24 के चुनाव पर क्या सोच रही है। प्रधानमंत्री ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आगाज कर दिया है, लेकिन पूर्वांचल में क्या होने जा रहा है, जनता की अपनी राय है। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर राय जरूर रखें। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा।